का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, मंद वृद्धि हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, कब मंद वृद्धि घोषणा होगी, पूछता है हर अनुदेशक शिक्षा मित्र सरकार से। साथियों, सभी के मन में यही सवाल चल रहा है बार बार कि जो मंद वृद्धि की गई है उसकी घोषणा कब की जाएगी, जबकि अन्य जिनकी मंद वृद्धि हुई है उनकी घोषणा सरकार खुले मन से कर चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मंद की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल सभी के मन में चल रहा है। बार बार यही मन में आ रहा है कि क्या इसके पीछे राज है, क्या दिवाली से पहले शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए मानदेय की घोषणा हो सकती है, तो फिक्र रूप में ये सवाल है। ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि दिवाली से पहले जो भी मानदेय वृद्धि हुई है अनुदेशक शिक्षा मित्रों की, या सरकार ने जो फैसला किया है हम लोगों के लिए, क्या वो घोषणा कर सकते हैं, तो कुछ संभावना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। साथियों, यहाँ पर एक और समाचार बड़ा निकल कर सामने आया है जिसे अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है। परिषदी शिक्षकों को वेतन के लिए बजट जारी, अमर उजाला 18 अक्टूबर का ये ताज़ा समाचार है और लखनऊ से है। सरकार ने परिषद के कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, परिषदीय स्कूलों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए 91,56,00,00,000 रुपए की राशि जारी की है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ताज़ा समाचार है। अब ये सवाल है कि क्या इसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भी बजट जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है साथियों, इसके बाद अब कोई भी बजट जारी नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता उधर लग जाएगी, तो हो सकता है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए इसी में बजट जुड़ा हुआ हो और उसकी घोषणा हो दिवाली से पहले। क्या है पूरा समाचार, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लखनऊ सरकार ने परिषद के कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, परिषदीय स्कूलों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए 91,56,00,00,000 रुपए की राशि जारी की है। शासन की ओर से ग्रांट जारी होने के बाद रविवार को विशिष्ट शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार ने वेतन के लिए राशि जारी की। शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सोमवार तक वेतन भुगतान कर दिए जाने की संभावना है। साथियों, ये तो उनके भुगतान की बात हुई, लेकिन क्या इस बजट में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए भी इस अक्टूबर माह का मानदेय ऐड है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। अगर होगा तो बढ़ के इस माह आएगा, जैसा कि बताया भी गया है कि अक्टूबर माह से बढ़ के मानदेय आएगा और वो दिवाली की छुट्टी से पहले हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथियों, आज का ये ताज़ा समाचार खास खबर है, मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताया, जिसे मैंने अमर उजाला से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, इसी कड़ी में आगे का समाचार है। वित्त नियंत्रक के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, विशेष शिक्षा परिषद के मुख्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जूनियर हाई स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए राशि जारी की गई है। उन्हें सक्षम स्तर से स्वीकृत लेकर राशि खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो, साथियों ये बड़ी खबर, अब देखना है कि इसमें हमारा अक्टूबर का मानदेय बढ़ के आ रहा है या नहीं आया है, ये हमको जल्द पता चल जाए। बातों में मानदेय आ गया था, क्या दिवाली की छुट्टी से पहले बड़ा हुआ मानदेय आ जाएगा। अब तक की आज की थी ये खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल करिए।